जय श्री कृष्ण दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो की स्क्रिप्ट और एनिमेशन भेजी है मेरे दोस्त हिमालय ने। उनके चैनल एक अलग सोच का लिंक आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, तो वीडियो खत्म होने के बाद आप उनके चैनल पर विजिट करना ना भूलें। दोस्तों अक्सर कमेंट्स करके लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हमें सीधा कर्म करना चाहिए या प्लानिंग करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने क्या कहा है, दुनिया में कुछ लोगों की फिलॉसफी होती है, इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अब इस बात को ध्यान से देखो तो ये तो यही कहता है कि हम लोग किसी भी व्यक्ति या चीज को जितना ज्यादा चाहेंगे उतना ही ज्यादा उसको पाने की उम्मीद बढ़ जाएगी। और इस फिल्मी ज्ञान से प्रभावित होकर ना जाने कितने ही लड़के एक लड़की के प्रेम में दीवानों की तरह उसे चाहने लगते हैं, परंतु जब उनकी कायनात इस लड़की को नहीं मिला पाती तो वो लड़का बहुत आगे के स्टेप्स भी उठा लेता है, कुछ नशों में पड़ जाते हैं या कुछ आत्महत्या जैसे कदम तक उठा लेते हैं। और आज ये हमारे समाज में बहुत ही आम देखने को मिलता है। अब प्रश्न ये भी आता है, क्या कायनात जिसको हम हिंदी में प्रकृति कहते हैं वो ऐसा कुछ करती भी है? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी, क्योंकि कर्मों का फल तो मिलता ही है। जहाँ कर्म होगा वहाँ फल अवश्य होगा। कई बार ये फल सफलता का होगा तो कई बार ये फल असफलता का होगा, पर फल होगा अवश्य। साधारण शब्दों में कहूँ तो फल मिलेगा, परंतु वो फल हमारी आशाओं के हिसाब से भी हो सकता है और वो हमें निराश भी कर सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कर्मों के फल से ध्यान हटाकर कर्म करने को कहा है। अब बहुत से लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि कर्म करते वक्त प्लानिंग करनी भी चाहिए या नहीं। तो पहले तो एक कहानी सुनते हैं। एक व्यक्ति था जो बेहद आलसी था। वो कोई काम करता ही ना था, लेकिन वो सपने बहुत बड़े बड़े देखता था। वो कभी सोचता उसके पास बहुत धन है और वो इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। एक दिन वो दूध पीने के लिए दूध को उबाल रहा था। कुछ दूध उसने पी लिया और बाकी का बचा हुआ दूध उसने दही बनाने के लिए एक बर्तन में रखा। जैसे ही उसने उस बर्तन में दही मिलाने के लिए दूध डाला, वो सोचने लगा जब इस पर मलाई आएगी उससे मक्खन बनाऊंगा और उसको गर्म करके उससे घी बनाऊंगा। इसके बाद उस घी को बाजार में जाकर अच्छे दाम में बेचूंगा और कुछ पैसे कमाऊंगा। इसके बाद जो पैसे आएंगे उनसे एक मुर्गी खरीदूंगा। मुर्गी अंडे देगी, उन अंडों से और मुर्गियां होंगी। उसके बाद धीरे धीरे मैं अपना मुर्गियों का फॉर्म बनाऊंगा। फिर उसको ध्यान आया, क्यों ना मैं अपने काम को उसके बाद बदल डालूं, मुर्गियां और अंडे, भला ये भी कोई काम हुआ। इसके बाद मैं ऐसा करूंगा, मैं फार्म बेचकर कुछ गायें खरीदूंगा और एक दूध की डेयरी खोलूंगा। सारे शहर के लोग मुझसे दूध खरीदने आएंगे और मैं बहुत ही अमीर इंसान बन जाऊंगा। उन पैसों से मैं सोने के गहने खरीदूंगा। इसके बाद मैं बहुत ही धनवान घर की सुंदर स्त्री से विवाह करूंगा। इसके बाद मेरा एक बहुत ही सुंदर बेटा होगा, परंतु अगर वो शरारत करेगा तो मैं उसको सबक सिखाने के लिए उसको मारूंगा जरूर। ये सब वो व्यक्ति अपने ख्यालों में सोच रहा था और इसी समय उसने अपने बगल में पड़ी एक लकड़ी को अपने बेटे को मारने के लिए उठाया और फेंका, और वो लकड़ी उस दूध के बर्तन पे जा लगी और उसका पूरा सपना टूटकर चकनाचूर हो गया। दोस्तों जो ये व्यक्ति कर रहा था उसको प्लानिंग कहते ही नहीं। युद्ध के 13वें दिन जब अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु को मृत पाया तो अर्जुन ने भी प्लान किया था कि वो अपने पुत्र के हथियारे जयद्रथ का वध अगले दिन सूर्यास्त होने से पहले कर देगा। दोस्तों प्लान वो होता है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। एक साधु भी प्लान करता है कि कल सुबह उठकर वो प्रभु का नाम जपेगा। जो कृष्ण कह रहे हैं वो फल की बात कर रहे हैं। फल हमेशा ही कर्म के बाद आता है और प्लान अक्सर कर्म से पहले होता है। तो याद रखिए, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्लान कर सकते हैं, पर ये भी याद रखें, प्रभु का प्लान हमारे प्लान से बड़ा होगा और जो प्रभु का प्लान होगा उससे जो प्राप्त होगा उसके फल को प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण करने वाला ही सुखी रहता है। हरे कृष्णा।